आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में रोड शो, काशी हुआ मोदी में, हर तरफ एक ही आवाज, मोदी मोदी। प्रियंका नहीं लड़ेंगी चुनाव, वाराणसी से कांग्रेस ने दिया अजय राय को टिकट। शिवराज सिंह की मुख्यमंत्री कमलनाथ को चेतावनी, छिंदवाड़ा कलेक्टर को कहा पिट्ठू। जारी है साध्वी प्रज्ञा की विवादित बयानबाजी, वंदे मातरम के बाद दिग्विजय को कहा आतंकी। और बीजेपी नेता आनंद कुमार सिंह का बेतु का बयान, यूपी की महिलाएं देती हैं हर सप्ताह बच्चे। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बड़ा रोड शो किया। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी एक ही सीट वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। रोड शो के लिए काशी दुल्हन की तरह सजा हुआ था, हर तरफ मोदी मोदी की आवाजें सुनाई देती रही। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो की शुरुआत की। भीड़ भरा यह रोड शो दशाश्वमेध घाट पर खत्म हुआ। इसके बाद पीएम मोदी, अमित शाह और अन्य बड़े बीजेपी नेता गंगा आरती में भी शामिल हुए। इसके लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही शहर में थे। मोदी के कारण बाबा भोलेनाथ की नगरी देश की सबसे वीआईपी लोकसभा सीट बन गई है। 2014 में जब मोदी गुजरात की राजनीति छोड़ देश की राजनीति करने निकले तो उन्होंने अपने डेब्यू के लिए काशी को ही चुना था। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने का सस्पेंस खत्म हो गया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अजय राय वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस के कुछ लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़े, लेकिन यह फैसला प्रियंका ने राहुल गांधी पर छोड़ दिया था। अब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वाराणसी से अजय राय कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। अजय राय 2014 में भी मोदी के खिलाफ लड़े थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। दूसरे स्थान पर अरविंद केजरीवाल रहे थे। इस बार मोदी बनाम अजय राय मुकाबला होगा। समाजवादी पार्टी ने यहां से शालिनी यादव को टिकट दिया है। बहरहाल यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि प्रियंका 2019 का चुनाव लड़ेंगी या नहीं। वाराणसी में सातवें चरण में 19 मई को वोटिंग होना है। यहां नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। चुनाव आयोग के नोटिस और पार्टी की समझाइश का असर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर होता नहीं दिख रहा। वो लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जो सियासी बवाल खड़ा कर रहे हैं। सीहोर की एक आम सभा में उन्होंने एक और विवादित बयान दिया है और कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर उन्हें आतंकी कह दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकी को खत्म करने का वक्त आ गया है। प्रज्ञा ठाकुर चुनाव प्रचार के लिए सीहोर पहुंची थी। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए जिले की बंद पड़ी चीनी मिलों का जिक्र करते हुए कहा कि अपना धंधा बढ़ाने के लिए उन्होंने जिले की शुगर और ऑयल मिल बंद करवाई। इसमें सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए, यह आपको पता है। इसीलिए ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए, बेरोजगारी बढ़ाने वाले को खत्म करने के लिए एक सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। उमा दीदी ने भी हराया तो 16 साल तक राजनीति नहीं कर पाए थे। अब जब वो फिर से मैदान में है तो उन्हें हराने के लिए एक सन्यासिनी को आना पड़ा और अब ऐसा समापन होगा कि वे कभी उग नहीं पाएंगे। फैक्ट्रियां बंद करवाई, गन्ना फैक्ट्री, गन्ना मिल, 5 प्रकार की ऑयल मिल, ये सब बंद करवाए उसने, लोगों को बेरोजगार कर दिया। गुना लेके गए थे यहाँ से फैक्ट्री का, गन्ना पूरा सीओ का, पर गुना ले खुद का व्यवसाय बढ़ाया, खुद की फैक्ट्री बढ़ाई, ये आप लोग स्वयं भोगे हुए है। इसलिए अब फिर से ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए, फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इससे पहले मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए महाराष्ट्र के एटीएस प्रमुख
हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर भी विवादित बयान दिया था। बाबरी मस्जिद मामले में तो उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई। इसके बाद पार्टी ने प्रभात झा और शिवराज सिंह को उन्हें समझाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के ताजा बयान से ऐसा लगता है कि उन पर पार्टी के आला नेताओं को समझाइश का कोई असर नहीं है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से छिंदवाड़ा कलेक्टर को सीएम कमलनाथ का पिट्ठू बताते हुए कहा कि ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे भी दिन आएंगे तब तेरा क्या होगा। उन्होंने कहा शिवराज से डर क्या है, सुन लो कमलनाथ, सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें ठीक से प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। शिवराज हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा के चौराहे पहुंचे थे, उसके बाद उन्हें अमरेठ जाना था, लेकिन शाम 4:45 बजे कलेक्टर ने हेलीकॉप्टर को छिंदवाड़ा भिजवा दिया। इसकी जानकारी लगते ही शिवराज नाराज हो गए। उन्होंने जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी ओछी राजनीति मैंने पहले कभी नहीं देखी, हम भी सरकार में रहे हैं लेकिन इस तरह की राजनीति कभी नहीं की। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को सभा में चेतावनी दी और कलेक्टर को कमलनाथ का पिट्ठू बताया। लेकिन सुन लो कमलनाथ, इस माटी का बेटा हूं मैं, सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा, अन्याय सहन नहीं करूंगा। ये कोई कुफोती है। एक तो बंगाल में सुना था हमने, ममता दीदी वो नहीं उतरने दे रही थी, ममता दीदी के बाद कमलनाथ दादा या गए। अरे भाई सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो, ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कमलनाथ की सरकार बेईमानी कर रही है, चुनाव प्रचार ठीक से नहीं होने दे रही, हेलीकॉप्टर उतार सकते थे लेकिन छिंदवाड़ा के कलेक्टर ने मेरा हेलीकॉप्टर ये कहकर उतरने की अनुमति नहीं दी कि शाम 5 बजे तक ही हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है। ये चुनाव प्रचार को रोकने का प्रयास है जिसकी मैं निंदा करता हूँ। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आपने देखा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस घटना के बाद बेहद आक्रामक नजर आए। इधर भोपाल में बीजेपी ने छिंदवाड़ा कलेक्टर की शिकायत चुनाव आयोग से की और कहा छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए प्रशासन पक्षपात कर रहा है। बीजेपी ने छिंदवाड़ा कलेक्टर की शिकायत चुनाव आयोग से की है और कहा है कि वे कांग्रेस सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने चुनाव आयोग को यह शिकायत की है। शिवराज सिंह ने कहा कलेक्टर कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं ताकि मेरी सभा ना हो पाए, कमलनाथ और उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं इसीलिए प्रशासन पक्षपात कर रहा है। बंगाल में जरूर ममता दीदी ने हमको रोका था, लेकिन दीदी के बाद दादा भी यहां रोकेंगे, ये मेरी कल्पना नहीं थी। चुनाव फेयर होने चाहिए, आखिर डर क्या है हमसे, हमें भी आने दो भाई, हम भी अपनी बात करना चाहते हैं, लोकतंत्र हमें इसकी इजाजत देता है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हमारी सभाएं बिगड़ जाए इसकी कोशिश की जा रही है,
जानबूझकर दबाव डालकर सभाओं को बिगाड़ने की साजिश की गई है, मैं इसकी निंदा करता हूं। शिवराज ने कहा, कांग्रेस साजिश कर रही है ताकि मेरी सभा ना हो पाए। मैं कल कई जगह प्रचार नहीं कर सका, हम कार्यवाही करके ऐसे लोगों को सही दिशा में लाएंगे। कलेक्टर छिंदवाड़ा ने कल शिवराज के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं दी थी। शिवराज सिंह ने कहा कि सिविल एविएशन के नियम के अनुसार हेलीकॉप्टर उड़ने की अनुमति 6 बजे तक ही दी जा सकती है, लेकिन छिंदवाड़ा में नियम अलग बनाए गए हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। भाजपा सांसद लक्ष्मी नारायण यादव टिकट वितरण को लेकर पार्टी से नाराज हैं। सागर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ उन्होंने नाराजगी जताई और कहा वे प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह टिकट हाईजैक किया है। सागर लोकसभा सीट पर पिछले 6 चुनाव से लगातार जीत रही भाजपा के लिए 7वां चुनाव कुछ भारी है। बीजेपी को पार्टी के लोगों से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टिकट वितरण के बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान सांसद लक्ष्मी नारायण यादव सहित कई लोग नाराज बताए जा रहे हैं। सागर से भाजपा ने मौजूदा सांसद लक्ष्मी नारायण यादव टिकट काटते हुए नगर निगम के अध्यक्ष राज बहादुर सिंह को टिकट दे दिया है। राज बहादुर को पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रिश्तेदार होने के नाते टिकट मिला है। टिकट वितरण से नाराज जैन समाज पहले ही अपना प्रत्याशी मैदान में उतार चुका है। अब सांसद लक्ष्मी नारायण यादव खुलकर विरोध में आ गए हैं। 75 से ऊपर हो गए हैं, उन्हें चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, चुनाव लड़ाने से बाहर रखा जाएगा। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, मैं उसको ठीक भी मानता हूँ कि एक समय ऐसा हो सकता है जब आप कहें हर चीज़ को ये कहें कि अब ना पर्याप्त हो गया ये। और आपको ख्याल होगा कि चुनाव प्रत्याशी घोषणा के एक शाम पहले मैंने बराबर पार्टी कार्यकर्ताओं की विभिन्न जगहों पर मीटिंग ली। मैं और बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं गया क्योंकि प्रत्याशी चयन में से मुझे दुख हुआ। लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा कि मुझे उम्र दराज मानकर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इस बात की नाराजगी नहीं है, लेकिन सागर में पार्टी के योग्य को टिकट नहीं दिया गया, इसकी नाराजगी है। उन्होंने साफ कहा कि सागर लोकसभा क्षेत्र में कहीं भाजपा का प्रचार करने नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि टिकट के चयन में मापदंड नहीं अपनाए गए। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छतरपुर के क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल के टीचर ने 9th क्लास की छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजे। इस मामले का खुलासा होने के बाद स्कूल के छात्रों और उनके परिवारों ने हंगामा किया। पुलिस ने शिक्षक को हटाने के बाद कहकर मामले को शांत करवाया। क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल का टीचर स्कूल टाइम के बाद छात्राओं को मैसेज कर परेशान करता था। कभी छात्राओं से उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता था तो कभी उनको अश्लील मैसेज करता था। छात्राओं ने जब इसकी शिकायत अपने परिजनों से की तो पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। ये कम से कम आज से 10 साल पहले भी इनका ये केस उछला था, इन्होंने दबा लिया स्कूल वालों ने, तो दोबारा ये उछला है कि बच्चों को दबाया जा रहा है स्कूल में। और ये प्रिंसिपल को सब कुछ पता था, प्रिंसिपल को मालूम था ये टीचर ऐसा है, उसके बावजूद इन्होंने उसका रिकॉर्ड ना जानने के बजाय उसके स्कूल में रखा। सेकंड टाइम शिकायत हुई है और उनका कहना है मेरे बच्चे के साथ नहीं हुआ तो मैं क्यों परेशान। उन्होंने कहा निकाल देंगे
मामला बढ़ता देख स्कूल मैनेजमेंट ने पुलिस को बुला लिया। परिजनों ने स्कूल के इस टीचर की लिखित शिकायत स्कूल मैनेजमेंट से की। पहले तो स्कूल प्रबंधन आरोपी टीचर का पक्ष लेते नजर आया, लेकिन जब स्कूल प्रबंधन को टीचर के खिलाफ सबूत दिए गए तो आरोपी टीचर रंजीत सिंह भदौरिया को स्कूल से निकलने की कार्रवाई प्रबंधन ने की। स्कूल की बदनामी को देखते हुए ना ही स्कूल मैनेजमेंट ने पुलिस को शिकायत की और ना ही परिजनों ने पुलिस को शिकायत की। अभी तो मेरे पास कोई कार्यवाही अभी तक नहीं आई थी, लेकिन आज जब मैं स्कूल आई, दो दिन में छुट्टी पर थी, लेकिन आज जब मेरे पास ये, मैं सिर्फ यही सुनने के लिए स्कूल आई थी क्योंकि मुझे फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन जब मैं आई तो आज उनको फ़ोन किया गया तो, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया कि मैडम मुझे किसी तरह बचा लीजिए, मेरे से गलती हो गई है, लेकिन अगर आप नहीं बचा पाएंगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। लेकिन हम लोग ने उसे इमिडिएटली जो है टर्मिनेट कर दिया है और बिल्कुल हम स्कूल में उनको अब नहीं रखेंगे। और इसलिए मैं मीडिया को भी ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह की धमकी दी, आगे को अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं या कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे स्कूल। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। निरंकारी मंडल ने मानव एकता दिवस मनाया। इस अवसर पर महात्मा बलवान सिंह ने कहा कि मानव का रक्त नालियों में बहने के लिए नहीं, इंसान की नाड़ियों में बहने के लिए है। उन्होंने कहा, सत्संग के माध्यम से मानव को मानव के करीब लाना ही हमारा मकसद है। संत नगर के निरंकारी मंडल ने मानव एकता दिवस का आयोजन किया। निरंकारी मंडल 24 अप्रैल से लेकर पूरे वर्ष भर समय समय पर जरूरत के अनुसार रक्तदान शिविर लगाता है। 24 अप्रैल 1980 को मानवता के दुश्मनों ने बाबा गुरु वचन सिंह पर कायरतापूर्वक हमला किया था। तब मिशन के अनुयायियों में काफी रोष था कि हम भी बदला लेंगे। तभी निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि हम बदला अवश्य लेंगे, लेकिन खून लेकर नहीं, देकर। रक्त व्यर्थ नालियों में नहीं, इंसानों की नाड़ियों में बहे। तभी से निरंकारी मिशन हर साल बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर लगाकर मानव की सेवा करता है। मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सबको मालूम है 1980 में 24 अप्रैल को इसी दिन मानव के उत्थान के लिए, मानव को मानव के करीब लाने के लिए उस समय के निरंकारी मिशन के सतगुरु बाबा गुरुवचन सिंह महाराज जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था और उसी दिन से निरंतर इसी दिन को मानव एकता दिवस के रूप में और रक्तदान शिविर लगाकर लाखों लाखों यूनिट मिशन के अनुयायी सतगुरु के आदेशानुसार रक्तदान करके इंसान की जान बचाते हैं। और समय के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने भी कहा कि इंसान का खून इंसान की नाड़ियों में बहे, न कि इंसान की नालियों में। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का प्रचार करना भारी पड़ रहा है। कुछ लोग उसे साध्वी का प्रचार करने से मना कर रहे हैं तो कुछ जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े कई कार्यकर्ताओं को साध्वी के प्रचार में शामिल होने की वजह से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ताजा मामला सैयद सद्दाम अली नाम के कार्यकर्ता से जुड़ा है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलावा मदरसा बोर्ड का भी उपाध्यक्ष रह चुका है। सद्दाम अली सोशल मीडिया पर साध्वी प्रज्ञा का प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद से ही उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। अज्ञात लोग उन्हें साध्वी प्रज्ञा के प्रचार से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने कार्यकर्ता होने के नाते वो पोस्ट करी थी, वो मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार है कि मैं उसे करूँ। उसके बाद मेरे को जब से ही कंटिन्यू फोन आ रही, लगातार पांचवा छठवा दिन फोन आ रहा है, मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं शासन प्रशासन की मदद। सैयद सद्दाम अली के पास बीते पांच दिनों में ही ऐसे न जाने कितने धमकी भरे फोन आ चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी उन्हें धमकी मिल रही है। इसके बाद सद्दाम अली ने प्रदेश भाजपा के आला नेताओं को इसकी जानकारी दी। जल्द ही वो इस मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज कराएंगे। वहीं भाजपा ने भी मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने की तैयारी की है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना
5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, भारत में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। वे अपने प्रचार के दौरान भी वंदे मातरम के नारे लगाती चली आ रही हैं। वहीं साध्वी प्रज्ञा का प्रचार के दौरान महिलाओं के साथ डांस करने का एक वीडियो भी बखूबी वायरल हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वंदे मातरम को लेकर दिया बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि इस देश में रहते हैं तो वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में पीते हैं, यहाँ की हर सुविधा का उपयोग करते हैं। देश में जन्म लेकर उसके ही नहीं हुए तो विश्व में किसी के नहीं हो सकते, ना ही ईश्वर के हो सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा से पूछा कि ऐसे बयानों को लेकर कई बार आपत्तियां आती हैं, तो उनका कहना था कि हम जिस देश में रहते हैं तो उसकी वंदना नहीं करना चाहिए क्या। वंदे मातरम की अनिवार्यता के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत को ही माँ कहा जाता है, किसी और देश को नहीं। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं गलत हूँ? नहीं होगा अगर हिंदुस्तान में रहना है। बात अगर अपने देश में खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, तो भारत में जब रहते हैं तो हमारे भारत की वंदना नहीं करना चाहिए क्या? हम जिस माँ से जन्म लेते हैं क्या उस माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए क्या? भारत की ही माँ है जहाँ हम जन्म लेते हैं, खाते पीते, रहते, सोते। मैं जनता से प्रश्न करती हूँ, क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल भारत में वंदे मातरम बोला जाता है, क्योंकि भारत को आज उद्घाटन के बाद किसी और देश को माता नहीं कहा। दीदी साध्वी प्रज्ञा प्रचार के दौरान भी वंदे मातरम के नारे लगा रही हैं। साध्वी को पता है उनका मुकाबला कांग्रेसी दिग्गज दिग्विजय सिंह से है, इसीलिए वे किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का सिंधी महिलाओं के साथ सिंधी गीत पर डांस करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बेखौफ बदमाशों ने एक युवक से बड़े ही फिल्मी अंदाज में रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। लूट का शिकार हुआ युवक अपनी एक्टिवा को साइड लगाकर किसी का इंतजार कर रहा था। तीन बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक व्यापारी का फिल्मी अंदाज में तीन बदमाशों ने 53,000 रुपए से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना उस समय हुई जब बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप पर बैग लिए सोमेंद्र तिवारी अपनी एक्टिवा के साथ किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बदमाश इस व्यापारी के पास आया और व्यापारी से कहा कि तुम्हारे कपड़े पर कचरा लगा है। व्यापारी सुनते ही कपड़े को साफ करने लगा। तभी दूसरा बदमाश उसका बैग लेकर फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी के फुटेज के सहारे बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तिवारी हैं जो हल्दीराम के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कलेक्शन सेंटर काम करते हैं। कुछ पैसे कलेक्ट करके और शाम को अपनी माँ का इंतजार बस स्टैंड पर कर रहे थे, तभी किसी एक व्यक्ति ने आकर उनसे बोला कि तुम्हारे पीछे कुछ लगा हुआ है और तो ये अपने गले में जो बैग टांगे हुए थे उसको नीचे रख के और उसको साफ करने लगे। तब वापस ने देखा तो उनका बैग गायब हो चुका था। तो इस आधार पर अपराध दर्ज किया गया है और पुलिस विवेचना कर रही है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। भोपाल के केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धा की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 200 से अधिक बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन की 50वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में किया गया। प्रतियोगिता 14, 17 और 19 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए रखी गई थी। प्रतियोगिता में भोपाल संभाग के सभी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। इस राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भोपाल केंद्रीय विद्यालय ने बॉक्सिंग, रस्सी कूद और योग जैसे खेल की मेजबानी की। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल को बालिकाओं एवं बालकों के लिए शतरंज प्रतियोगिता है, योग है,
ताइक्वांडो है, रोप स्कीपिंग है, इनके आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी और बॉक्सिंग मुक्केबाजी, इसमें बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया और जिसमें कि मध्य प्रदेश के लगभग 35 या 40 जिलों से केंद्रीय विद्यालयों के प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग इस साल हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बॉक्सिंग गर्ल्स के लिए भी इंक्लूड किया है, जो कि जिसमें केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 की 5 बालिकाओं ने भाग लिया और इनका चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जा रहा है और केंद्रीय विद्यालय भोपाल रीजन के लगभग सभी स्कूलों से यहाँ पार्टिसिपेशन हो रहा है। सर, हम लोग ने रोप स्क्रीन करी है जिसको हमने फ्री स्टाइल इवेंट दिया है, जिसमें फ्री स्टाइल इवेंट दिया है और कई इसमें स्टंट्स रहते हैं, जिमनास्टिक रहता है, एरोबिक्स रहते हैं और एक उसमें मतलब सेल्फ डिफेंस होता है, इसमें से लैग का यूज करते हैं और हैंड ब्लॉकिंग के लिए होता है और मैं केवी 2 भोपाल में आया हूँ खेलने के लिए। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने एक ट्रक के कंटेनर में लदे तकरीबन 10 क्विंटल तक के गांजे की खेप बरामद की है, जो लगभग 1,47,00,000 रुपए कीमत की बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक कंटेनर में गांजा ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर रायपुर थाना क्षेत्र से ट्रक धर दबोचा। कंटेनर ट्रक खुलने पर वह पूरी तरह खाली था, लेकिन पुलिस तब हैरान हो गई जब जांच के बाद पता चला कि तस्करों द्वारा ट्रक में पार्टीशन किया गया है और चालक केबिन से एक रास्ता बनाया गया है, जिसके अंदर गांजा छुपाने के बाद केबिन को पैक कर दिया गया है, जो बाहर से देखने में समझ नहीं आता। पुलिस ने ट्रक के आगे और पीछे लगी फॉलो गाड़ियों को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है, जबकि एक गाड़ी भागने में सफल हो गई। ट्रक से 876 किलो 500 ग्राम कीमत के करीब 87,00,000 रुपए का गांजा जब्त हुआ है। साथ ही जब्त वाहन से 60,00,000 रुपए सहित करीब 1,47,00,000 रुपए कीमत के गांजे की जब्ती की गई है, जिसमें वाहन चालक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये 876 किलो 500 ग्राम गांजा है, मतलब 876 kg, जो अनुमानित तौर पे हम समझ सकते हैं कि 87,00,000 रुपए के आसपास इसकी कीमत जो भी मार्केट में है। इसके साथ ही हम लोगों ने करीब जो ट्रेलर है, कंटेनर है, गाड़ी है, वो भी अलग से 60,00,000 रुपए की जब्त की, करीब 1,47,00,000 के आसपास मशहूर का हमने। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। खंडवा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर हफ्ते बच्चे देती हैं, साल भर में 52 बच्चे देती हैं। नंद कुमार के इस बयान की खूब आलोचना हो रही है, कांग्रेस ने उनसे माफी मांगने को कहा है। पिछले दिनों खंडवा से बीजेपी उम्मीदवार नंद कुमार सिंह चौहान ने एक तरफ से आदमी डालकर दूसरी तरफ से महिला निकलने वाली मशीन की चर्चा की थी, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई। नंद कुमार सिंह चौहान वैसे सीनियर बीजेपी लीडर हैं, लेकिन उनकी चर्चा हमेशा उनके बेतुके बयानों को लेकर ही होती है। इस बार भी एक उदाहरण देते हुए वे खुद अपने बयान में उलझ गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर हफ्ते बच्चे देती हैं, साल भर में 52 बच्चे देती है। यूपी में ऐसी भी महिलाएं हैं जो हर हफ्ते बच्चा देती है, साल भर में 52 बच्चे देती है। यूपी में ऐसी भी महिलाएं हैं जो हर हफ्ते बच्चा देती है, साल भर में 52 बच्चे देती है। यूपी में ऐसी भी महिलाएं हैं जो हर हफ्ते बच्चा देती है, साल भर में 52 बच्चे देती है। बीजेपी नेता नंद कुमार सिंह चौहान के इस बयान के बाद फिर उनकी आलोचना शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि नंद कुमार सिंह को पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से नंद कुमार चौहान, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे, खंडवा के सांसद हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया है महिलाओं के बारे में, उनको पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं से, पूरे देश की महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। और उन्होंने कहा था, उनको कहना चाहिए कि मैं महिलाओं के पैर धो के उस जल को पीऊंगा, जब ही जनता उनको माफ़ करेगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको बैरन समाचार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, आजकल तो बहुत मजा आ रही है, जैसे जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं भन्नाट किस्म के। अभी देखो दिग्विजय सिंह साहब का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने एक लड़के से पूछ रहे हैं कि तेरे खाते में 15 लाख आए क्या, अकाउंट नंबर दो मुझे। वो लड़का आया मंच पे, आकर बोला कि मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, मेरे तो 15 लाख वसूल हो गए। उसको ऐसा धक्का मार के निकाला बाहर, और बीजेपी वालों ने उसका सम्मान कर दिया बता रही। और मेरा कहना है, आप ग्लोबल भोपाल की बात कर रहे हो, उसके बारे में बताओ ना, ये फालतू बात है, ये ओल्ड फैशन 15 लाख की पुरानी चीज़ें हो गई, अब कोई सुनता नहीं है इनको। वो बताओ नया क्या करने वाले। हाँ, और एक वीडियो और मस्त, ये नंद कुमार सिंह चौहान जो हैं, बीजेपी के अध्यक्ष थे पहले, सांसद भी रहे, एक इनका वो वायरल हो रही है। हाँ, और उसमें जब जैसे पहले एक वो बोला था ना, राहुल गांधी का वायरल हुआ था कि आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, और ये कह रहे हैं एसी मशीन बनाऊंगा, एसी मशीन बनाऊंगा, इधर से आदमी डालूंगा, उधर से बाई निकालूंगा। बताओ, ये बहुत मजा आ रही है इस समय तो, है बहुत इंटरटेनमेंट चल रही है। और ये एक नया स्टार्टअप देख लो, ये इंदौर की खबर है, यहाँ पे 12वीं तक पढ़ा हुआ वही लड़के ने एक नया स्टार्टअप किया, उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोल दिया भैया पूरा। हाँ, और वो स्पेशल 26 मूवी देखी थी ना, जिसमें अनुपम खेर हो, अक्षय कुमार कर लेते हैं ऐसी, तो वहाँ से इंस्पायर हो गए, इन्होंने अपना चालू कर लिया और छापे आपे मार दिए। और बाद में बताया ये पकड़े गए, कुछ पैसा वैसा भी कमा लिया थे इनने। तो अब मोदी जी भैया रोजगार दो, नहीं तो ऐसे स्टार्टअप शुरू करेंगे ये लड़के। हाँ, और ये खबर इधर देख लो, ये जो सन्नी देओल साहब हैं, जो 2.5 किलो का जिनका हाथ है, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी वाले बोले हमारे ये 2.5 किलो का हाथ हमारे पास आ गया है, ताकत आ गई। ये गुरदासपुर से इनको टिकट भी दे दिया है, बीजेपी वाले फूले नहीं समा रहे, 2.5 किलो के हाथ दिखा रहे हैं ऐसे। और ये खबर, अच्छी खबर इधर बता रही हूँ, बजरंग पूनिया जो अपने पहलवान है, इन्होंने कहा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड ले लिया। और मैं कह रहा हूँ अभी लौट के आ रहे हैं, इनको चुनाव में लगा दो, ये सब नूरा कुश्ती जो खेल रहे हैं ना अपने पॉलिटिशियन, इनको अच्छे से कुश्ती करना सिखा दें। हाँ, और मैं भी चला भैया अखाड़े, अपनी बॉडी वाड़ी बनाऊंगा, अखाड़े पहलवानी करूंगा। नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।